हेलो नौजवान साथियों, जय हिंद जय भारत। जीनियस मिलिट्री एकेडमी हांसी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। नौजवान साथियों, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि जिन बच्चों ने फिजिकल किया था एओसी भर्ती का, उन बच्चों की मेल पे आज क्वालिफाई का मैसेज आ चुका है और साथ ही साथ आपके रिटर्न टेस्ट के लिए भी आपका रोल नंबर आ गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशी है। जिन भी बच्चों का फिजिकल हुआ है क्वालिफाई, सभी बच्चों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। दूसरी बात, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डाउट्स बताऊंगा, जो कुछ डाउट्स हैं और एग्ज़ाम जो अभी आपका 17-18 दिन जो एग्ज़ाम के बचे हैं, उस एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपने क्या क्या करना है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी आपके डाउट्स होंगे तो इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं दोबारा फिर मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपके रोल नंबर आ चुके हैं और कई बच्चों के रोल नंबर डाउनलोड नहीं हुए हैं, उनके हो जाएंगे। कई बच्चों के डाउनलोड हो चुके हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये मेरी एकेडमी का ही बच्चा है, उत्तर प्रदेश से है, जय सिंह यादव, ठीक है। और इसका आगरा के अंदर, उत्तर प्रदेश आगरा के अंदर इसका है 21 मई को, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम है 4 बजे की, यानी मॉर्निंग में 4 बजे इस लड़के ने रिपोर्ट करनी है, ठीक है। और इंट्री जो क्लोजिंग टाइम है, वो इंट्री क्लोजिंग टाइम है इसका 8 बजे का, ठीक है। इस प्रकार से कई बच्चों का हमारे पास में रोल नंबर आ गया है। दूसरा बच्चा है हमारा जैसे दुली चंद गुज्जर, ठीक है। इस बच्चे का आया है उधमपुर जम्मू के अंदर, उधमपुर जम्मू में आया है इसका, वही सेम टाइमिंग है इसका भी। रिपोर्टिंग टाइम 4 बजे है ग्राउंड में पहुंचने का, जहां पे इसका टेस्ट होना है, और 8 बजे क्लोजिंग टाइम है गेट का, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ये आपका एग्ज़ाम होना है ये ऑफलाइन होना है। दूसरी बात कि फायरमैन और ट्रेडमैन का एक ही साथ होना है। जो पहले आपको पता है कि जहाँ पे आप फिजिकल देने गए थे, बहुत सारे सेंटरों पे बैनर लगे हुए, देखिए भी 14 तारीख का आपका फायरमैन का होना है और 28 मई का आपका ट्रेडमैन का होना है। तो अभी ये होगा कि दोनों एग्ज़ाम एक साथ कनेक्ट किए जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है ये, ठीक है। और अगली बात कि जहाँ पे आपका सेंटर था, जहाँ पे आपने फिजिकल किया था, वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन पहले जो हमारे डाउट्स थे, हमने कुछ बोला भी था इस बारे में, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन भी आए थे कि सर जहाँ पे फिजिकल हुआ वहीं पे रिटर्न होगा क्या, तो हमने ये बोला था कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे थे, रिटर्न में कम बच्चे होते हैं, तो हो सकते हैं कुछ सेंटर बनाए जाए वहाँ पे आपका फिजिकल रिटर्न होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक रीज़न तो ये रहा होगा कि फायरमैन का और ट्रेडमैन का एक साथ पेपर कनेक्ट कराने से नफरी फिर बढ़ गई है, तो इसलिए शायद इनका अलग अलग पेपर लिया जाएगा। दूसरी बात, देखो जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उनका पेपर कहीं पर भी हो, वो अपना पेपर क्लियर करेंगे। और मेन जो टॉपिक है, अभी आपने जैसे क्या लेके जाना है, बहुत सारे बच्चे डाउट में होंगे सर क्या लेके जाएंगे पेपर होगा, वही आपने आईडी लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आईडी लेके जानी है और रोल नंबर लेके जाना है, और आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक दो मांगे के वो लेके जाना है, और आपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना है। एग्ज़ाम सेंटर का जो टाइमिंग दिया गया है एग्ज़ाम का, वो आपका 4 से स्टार्ट है मॉर्निंग में और 8 बजे तक क्लोजिंग दी गई, ये सबका सेम ही दिया गया। अगली बात करते हैं तैयारी की। तैयारी में आपको पता सिलेबस का, और आशा करता हूँ सभी बच्चे जहाँ जहाँ पे भी हैं तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक बारी फिर आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई सोने का टाइम नहीं है, अभी दिन रात एक कर दो, कम से कम 15 से 16 घंटे मेहनत करो। आपको पता है कि आपके 50 नंबर की जीके है, 50 नंबर की रीजनिंग है, 25 नंबर का मैथ है, 25 की इंग्लिश है, तो ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, इनको बिल्कुल घोट दो भाई, दिन रात एक करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, काफ़ी वैकेंसी हैं, ठीक है। और अगली बात करते हैं कि सर
मतलब किस टाइम से और किस टाइम तक पढ़े? तो आपको पता है हमारी जो एकेडमी है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर शेड्यूल बताइए, टाइम टेबल बताइए। तो हमारा जो शेड्यूल है वो बता सकता हूँ मैं। हमारा जो शेड्यूल है वो ये शेड्यूल है कि हम सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक क्लास लगाते हैं, 1 घंटे की एक क्लास होती है 4 सब्जेक्ट की, फिर 2:30 से लेके 6 बजे तक फिर क्लास लगाते हैं 4, और उसके बाद में हमारा जैसे मॉर्निंग का एक टेस्ट होता था, लेकिन अभी हमने फायरमैन और ट्रेडमैन को अलग अलग कर रखा है। फायरमैन का हम डेली एक टेस्ट लेते हैं और ट्रेडमैन को हम अभी कोचिंग देते हैं, और रात के एक बजे तक हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, एकेडमी पे पढ़ते हैं, और सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक फेस सेल्फ स्टडी करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम के 10 या 12 दिन रह जाते हैं तो हम डेली टेस्ट शुरू कर देंगे। तो हमारे बच्चों का हमने पिछला जो संडे को रिजल्ट लिया था उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। और दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था यही था कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपको टाइमिंग बता दिया है कि टाइमिंग कहाँ है, आप जहाँ पे आपका फिजिकल हुआ था वहीं पे आपका रिटर्न होने लग रहा है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और दोबारा फिर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने फिजिकल आपने क्वालिफाई किया है, और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप रिटर्न भी क्लियर करोगे। तो मेहनत में लगे रहो दोस्तों, मेहनत करोगे तो जीत पक्का मिलेगी। जिस प्रकार से आपने मेहनत करके फिजिकल निकाला था उसी प्रकार आप मेहनत करके रिटर्न भी क्लियर करोगे, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।